भैया हमारा बेटा भी सो रहा है, इसे सोने दो, इसे मत जगाओ। अरे भाभी ये सोता नहीं है, बच्चा खत्म हो गया है। नहीं भैया, मैं आपका ये हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बेटा सो रहा है, इसे मत जगाओ, मैं इसे जगाने नहीं। भैया सो नहीं रहा है। हमको लगा भाभी पागल हो गए, कहा बच्चे की रोगा। चलो तुम चलो बच्चे को उठाओ, ले चली लाश उठाओ। को प्रधान और कोटेदार ने मिलके खून के झूठे इल्जाम में उसे जेल भिजवा दिया। यहां तक कि बिरजू की पत्नी शांति देवी को जिंदा जला देना चाहा, पर उसका बेटा बीच में राहुल आ गया। वो अपनी मां को जलता देख उसे बुझाना चाहा कि वो अपनी मां की जान को बचा ले, पर दोस्तों वो निर्दयी देशमुख प्रधान शांति देवी के सामने उसके बेटे राहुल को गोली मार देता है। शांति देवी अपने बेटे को मरता देख अपने बेटे की याद में बेचारी पागल हो जाती है। दोस्तों जिस तरीके से देखा है कि शांति देवी के ऊपर कितनी बड़ी समस्या और मुसीबत आ गई है, अब देखना यह है कि सुबह तक शांति देवी की याददाश्त वापस आती है या नहीं। अगर किसी के माँ के सामने अगर उसका बेटा मार दिया जाए या मर जाए, तो दोस्तों औलाद से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। अपने बेटे की याद में शांति देवी कैसे पागल हो जाती है। धन्यवाद। राहुल ए आ गया रे, छोड़कर नहीं जा सकता। राहुल मेरे लाल, राहुल तू नहीं जा सकता, हमको छोड़ के नहीं जा सकता। हे राहुल, तू जहां जाएगा मैं तेरे पास आऊंगी। राहुल मेरे राजा, मेरे ला, तुझको ढूंढूं मैं कहां।
आओ बेटा खाद ला करके और खेत में बो देना। हाँ यही तो रुपया लेने का खाद ले गया। हाँ और जिंक भी ले लेना। कहा ले गया? हाँ कहीं कहा लिप ले गया। बाबूजी नमस्ते। पिताजी के चरणों में चरण के परिणाम दो मुझे आशीष कुछ ऐसा हो जिससे कल्याण। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात बेटी, सुबह सुबह कहाँ तैयार होकर जा रही हो तुम? चाचा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज जगदीशर स्वामी का मेला लगा, आज जगदीशर करने को दिल चाहता है चाचा। क्यों नहीं बेटी? आशा है मिल जाएगी आज्ञा मुझे।
चाचा जी। यानी कि तुम मेला देखने जाना चाहती है? जी हाँ। वैसे मैंने भी मन्नत मानी थी कि जिस दिन तू इंटर पास करके आएगी ना, तो मैं तुझे जगदीश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए जरूर भेजूंगा। जी हाँ चाचा जी। बेटी जी चाचा जी। खुशी देता आबे मैं तुम्हें लाडली, जाके जगदीश्वर स्वामी के दर्शन। क्यों नहीं चाचा जी? शाम होने से पहले घर को वापिस आ जाऊंगी। अरे साहेब तुम खैर बुढ़ाएंगे वही तुम्हारे तमीज नहीं है। अब बताओ ये जवान जहील बिटेवा भाई का अकेले मेला हुआ बैठावत हो, कहूँ खाला ऊंची गोड़ पड़ जाए तो कहूँ कौन जवाब दे हाँ तुम? ठीक है तेरा कहना भी सही है, पर मैं जानता हूँ कि सेवानी तुझे बिना साथ लिए मेले मेले में अकेले वो जाएगी नहीं। तो वहाँ तो हम बताए कि हम साथ चले जाए अपन निपटा के लौट जाए। जिस तरीके से पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसी तरीके से बात भी करता है तू। शिवानी के साथ में जाओ। ठीक है चाचा जी। शाम होने से पहले तुम दोनों वापस आ जाना। ठीक है चाचा जी। अच्छा मैं मेला देखने के लिए जा रहा हूँ चाचा जी। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। अब हम आऊं जाए पीछे से साथन जी साहेब घुस मोड़ी बताने के बजाय साला उल्टा सीधा बताता है। जब तक दीवानी वापस नहीं आती है तब तक थाने में जाके एक राउंड लगा के आता है। हो सकता है कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए आया होगा। दंडसीन चलो आज हम चलते हैं, जगदीश्वर साहब का मेला लगा है, आज हम मेले के लूटते हैं। बहुत दिन हो गए हैं हाथ आई नहीं है रकम, आज मेले में बहुत धन होगा, चलो आज हम चल कर मेला लूटते हैं। क्या बताऊं, मेरे चाचा ने मेला देखने के लिए मुझे आज्ञा दे दिया है, अब मैं मेला देखने के लिए जरूर जाऊंगी। तुम घर आयो ना, हम तुम्हारे पीछे जुटियान हैं। हाँ हम तुम्हारे पीछे जुटियान हैं, डर आयो ना। यानी तुम मेरे पीछे आए हो मेले देखने? हाँ मेला देखा हुआ। ए मेरे सपनों का वो राजा नगर, तुम हंसते से हमारा संतुलन घटे लागत है। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मेरे
मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी। ठीक है, टकलम नहीं है बार। करती हूँ मैं उससे प्यार, मैं तो उसके चक्कर में आऊंगी नहीं, मैं तो उसके चक्कर में आऊंगी नहीं, ये तो है सबको पता। ए ए घटा सावन की घटा, फट खोल के दिखा मेरे सपनों का वो राजा, पूरा गुलजस्ता ही खिला है। ये कौन है जो लगता लील गांव मारने वाले हैं? पूछे दियो हमका।